दिन रात अथक मेहनत के बाद आज इन्होंने पहले भी दो पार्लियामेंट सीट हमारी जिताई और इनका जिम्मा अभी रियासत जम्मू कश्मीर का सरकार बनाने का है। हम इनको विश्वास दिलाते हैं कि जिस कड़ी मेहनत से आप कर रहे हो हम भी आपको पूर्ण जवाब इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि सरकार जो है इस दफा भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में बनेगी। जितने भी आज कार्यकर्ता हर गांव से आए हैं आप सब भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं और मुझे भी आज यहां इसलिए साझा करना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों को कुछ ताकतें जो ऐसी हैं जो बीच में ये कहती हैं कुछ कहते हैं, लेकिन मैं आज सबको आप सबके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और ये तीनों सीटें डिस्ट्रिक्ट सांबा की जिसके लिए मुझे काम करना है उसी के सिलसिले में आज यहां आया हूं, आपसे विनती करने आया हूं। मैं पंडित गंगा प्रसाद शर्मा जी से विनती करूंगा कि भाई ये मुझे 40 वर्ष हो गए अपने कानपुर को बनाते हुए, इनको मैंने प्यार दिया इज्जत दी और हमेशा हर एक की मदद करने की कोशिश की, किसी ने फोन कभी किया तो उठाया उसका जवाब दिया, अगर मैं नहीं अवेलेबल तो वापस बैक कॉल किया, कभी जाके इनकी फिक्र करते करते आए ये वर्कर जो मैं आपके हवाले कर रहा हूं, मेहरबानी करके इनका आपको प्यार देना पड़ेगा। ये चंद्र जी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, ये भरकर भूखा है इज्जत का और प्यार का। ये पैसा नहीं मांगता ना आपसे पास कभी आएगा, आप उसको प्यार दोगे ये आपके लिए चांद देने वाला बनता है। क्योंकि मैं आज साथियों आपसे अपील करना चाहता हूं कि आज के बाद अपने अपने गांव में अपने अपने इलाके में जाके काम करो, ये गंगा प्रसाद की सीट नहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है, उसके लिए हमें नरेंद्र भाई मोदी के लिए काम करना है। मैं आज आपके आगे जोड़ी चलाता हूं कि अगर आप मेरे सच्चे भक्त हो तो मुझे इज्जत पे जरा भी ये बात कहीं आए, हम भारी मोहब्बत से इस हारी
बहुत ही वरिष्ठ और साढ़े बड़े भा भगवान सिंह जी साढ़े सरपंच साढ़े बड़े ब्रदर आदरणीय भवन सिंह जी मोहन थापा जी अमित दुबे जी अरुण शर्मा जी राज जी मोहन लाल जी और अजय जी आए दे सारे कार्यकर्ता बंधु डीडीसी पीडीसी पंच सरपंच और भिन्न भिन्न पदे पर विराजमान कार्यकर्ता बंधु साथियों साहब ने अपने दिल ने अपनी ख्वाहिश शायर की थी कि मैं पंडित जी तो ये सारे सारे कार्यकर्ता जड़े ने झोली के बिच पागे मैं साथियों साहब का बड़ा आभारी हाँ क्योंकि जिहड़ी गल इन्हें आखी है कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता हमेशा चुनाव पार्टी लड़ती है असें त्रै सीटा सांबा विजयपुर और रामगढ़ तिने सीटें पर असें सारे रलियै काम करना और करा दे और तिने सीटा जिताइए साथियों अगर अज भारतीय जनता पार्टी की अगर अ सरकार बनानी है तो उसके वास्ते साढ़े सारे के प्रयास जड़े उनकी बड़ी जरूरत है और साथियों साहब मैं तुम्हें एक विश्वास दिना जड़ी गल तुझे आखी है मेरे जीवन का एक असूल है मिगी अगर कुसा वोट नहीं भी पाया ना मैं कदे कुसा की आज तक निराश नहीं किया कोई बेइज्जत नहीं किया और ये रिश्ता इं चलग कि जिया तुम तो खिचड़ी का बीज घ्यो पाते हो ना तो घ्यो जरा बिच कमी का तो खिचड़ी और स्वाद हो रिश्ता भी है वो क्योंकि जोड़ा कार्यकर्ता है वो सम्मान का भुखा इज्जत का भुखा है सारे लोग काम नहीं चाहिए बहुत ज्यादा मैं ऐसे बड़े कार्यकर्ता दिखे न कि जेड़े सारे को ज्यादा काम करते तो कदे काम लैन नहीं आए सारा को ऐसे भी कार्यकर्ता दिखे हैं क्योंकि उनका पार्टी कने लगाव है उनका मोदी जी कने लगाव है अज जिस चीज की जरूरत है वो ठीक आख्या साथी साहब ने कि असें ये जड़िया दीवार जेड़े जातिवाद संबंधी है जेड़े सारे लोग तोड़ा दें अज कश्मीर के करा दें कश्मीरी लीडर उस दिन ही तय हो गया था
जिस दिन सलाकिया जी और दविंदर राणा ने बीजेपी ज्वाइन की, कहते जिधर सलाकिया साहब सरकार उठे भी बन गई। ऐसे जिधर सलाकिया साहब ने, और मेरे को याद है जब मैं सलाकिया साहब के साथ रविंदर जी के साथ रात रात मीटिंग करता था, और मैंने इन्हें मनाया कि अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को स्वच्छ प्रशासन देना और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ना है। मेरे को याद है सलाकिया साहब थोड़ी चुस्की लो ना, इजाजत दे लो। सलाकिया साहब ने शामिल होना था, दिन तय हो गया, डेट तय हो गई, टाइम तय हो गया, किसी को मालूम नहीं, सिर्फ मेरे को मालूम। उस दिन जिस दिन की इन्होंने डेट निकाली, उस दिन मेरे बेटे की शादी थी। मैं बड़ा समझाया दविंदर जी को, सलाकिया साहब तो राजपूत आदमी समझाना मुश्किल था। कहते यार जो दविंदर राणा कहे मैं कर लूंगा। मैं कहा दविंदर जी मेरे बेटे की शाम को शादी है, सुबह दिल्ली में ज्वाइन कराना है, अगे पीछे कर रहे हैं साडा ने मुहूर्त 12 अक्टूबर या 11-12 अक्टूबर। मैं कहा ठीक है, अब इतने बढ़िया साथी, इतने बढ़िया नेता, इतने बड़े बड़े दिल के नेता पार्टी को मिल रहे थे, तो मैंने पार्टी हाईकमान को कहा जी मैं आऊंगा सुबह, शाम को मेरे को दोपहर तक भेज दो। 1:40 की लास्ट फ्लाइट और 12 का इनका मुहूर्त मेरे को याद है और कभी भूल नहीं सकता कि इन दो महारथियों के लिए बेटे की शादी को साइड पे रखकर मैं दिल्ली में ज्वाइनिंग के लिए गया। उससे पहले भी एक घटना है, सलाकिया साहब और दविंदर जी ने तय किया, बीच में कोई घटना होगी, ये उस घटना में किसी के घर गए अफसोस करने, वहां किसी ने इनके ऊपर बड़ा प्रेशर डाला तो मेरे को पता लगा। मैंने फोन किया दविंदर जी को, फोन किया, उन्होंने कहा जी हम पक्का है, चिंता ना करो। मैं सलाकिया साहब को फोन किया, उन्होंने कहा राजपूत की जबान है, जहां देवी वहां देवी। और तरुण जोग साहब नोट कर लो, मेरी जुबान भी भाजपा के साथ है, मेरा शरीर भी भाजपा के साथ है और मेरा एक एक साथी भाजपा के साथ है। और इन्होंने जो कहा मेरे को आज तक नहीं भूलता, कहते धरती से जाना सबको है, जब भी जाऊंगा मेरे ऊपर कमल के फूल का झंडा होगा और मेरे जब मेरा शव यात्रा निकलेगी और लोग भारत माता की जय कहते हुए लेके जाएंगे, ये इनके जो मुंह से शब्द निकले वो सचमुच बहुमूल्य। इतना समर्पण, मेरी बड़े भाई हैं मेरे से शायद 20 साल बड़े हैं, तजुर्बे में भी मेरे से 50 साल बड़े, पॉलिटिकल आईक्यू में 50 साल बड़े, लेकिन जुबान में इन जैसा पक्का मैंने आज तक नहीं। और वैसा ही व्यक्तित्व गंगा जी का, गंगा की तरह पवित्र, और जो आया उसको संभाल लिया। मैंने देखा नहीं कभी कि गंगा जी के घर से कोई रुसिया भुसिया गया, जो आया उसको हंसा के भेजा। और भारतीय जनता पार्टी की वो पहली पनीरी जिसने चने खाकर, पुजे छोले खाकर, डंडे खाकर भारतीय जनता पार्टी जनसंघ खड़ी की, ये पूरा परिवार मैं भूल नहीं सकता। इनके इन्होंने जितना काम किया है, आज ये दो शक्तियों ने मिलकर इस रीजन के चुनाव को जिताने का अपने आप पर वो लिया है, ये प्रण निश्चित रूप से मैं समझता हूं। आप कह रहे थे 3 सीटें, आप दोनों की जो फोटो है ना इकट्ठी बैठी है, ये 90 सीटों पर असर डाल दी, 90 सीटें 90 सीटें।
एक मैं बात कहना चाहता हूं, हमें सलातिया साहब की सभा है, आप सबको मन तैयार करना है। निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं, लेकिन जीत प्रचंड होनी चाहिए, प्रचंड जीत होनी चाहिए, प्रचंड जीत। गंगा जी का परिणाम आए तो परिणाम आए तो पता लगे कि सामने वाले की जमानत जब तो। और जब सलातिया जी का परिणाम आए तो आज का जम्मू कश्मीर का रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए। और मेरे को पक्का पता है कि 8:30 तक दोनों सीटों का परिणाम आ जाना है, क्योंकि तो सामने टेबल वाले 9:30 उठ के चले जाने नहीं रह सकते भाई साहब, आपको समय ना पड़ेगा। लोग गणित देखते हैं, मैं गणित नहीं देखता, मैं केमिकल रिएक्शन देखता। केमिकल रिएक्शन है, लोगों के मन में उमंग है कि 370-35 से टूटने के बाद ये पहला चुनाव है। 70 साल की अब्दुल्ला मुफ्ती गांधी नेहरू की जंजीरों से मुक्ति के बाद का पहला चुनाव। मेरी आपसे विनती है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, मैं 370 और 35 से दोबारा लाऊंगा। ये आप सबका जोश है जिसके बदौलत आज हम कहते हैं कि ये वापस नहीं आएगी। आने दोगे? अरे यार बताओ, फारूक अब्दुल्ला का सपना पूरा होगा? फारूक अब्दुल्ला का सपना पूरा होगा? प्रेमनाथ डोगरा जी का सपना पूरा होगा? शेख अब्दुल्ला का सपना पूरा होगा? ये डोगरों की धरती, प्रेमनाथ डोगरा की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहां से गुजर कर उन्होंने शहादत दी थी, ये वीरों की धरती है जो शपथ लेके चलती है कि आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, ये उनकी भूमि है। फारूक अब्दुल्ला साहब 10 बार भी अब्दुल्ला पैदा हो जाए तो जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे। आप शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदलना चाहते हो? आप हरि पर्वत का पहाड़ नाम बदलना चाहते हो? ये जो जिहादी एजेंडा है ना फारूक अब्दुल्ला का, जिहादी एजेंडा, कभी कहते हैं पाकिस्तान से बात करो, कभी कहते हैं चाइना से बात करो, कभी कहते हैं 370 चाहिए, 35 से चाहिए। अरे फारूक अब्दुल्ला साहब, आप ऑटोनॉमी का बिल लाते हैं, बिल ऑटोनॉमी का बिल लाते हैं। ये जो आपके दिमाग में खुराफाती जिहादी मानसिकता है, जम्मू कश्मीर की जनता इसका जवाब देगी, करारा जवाब देगी। इसलिए मेरी आपसे विनती है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रण लिया है जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का, जम्मू कश्मीर को अलगाववाद की सोच से पीछे हटाने का, जम्मू कश्मीर को सुनहरा जम्मू कश्मीर बनाने का, जिसके अंदर घर की हर बहू को 18,000 रुपया वार्षिक पेंशन आए, विधवा बुढ़ापा पेंशन, अपाहत पेंशन 36,000 रुपया हो, हर व्यक्ति को अपना मकान मिले, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 3 करोड़ नए मकान, और जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें 5-5 मरले जमीन दी जाए, क्योंकि जो हमारी सरकार है लूटने वाली सरकार नहीं है। फारूक अब्दुल्ला की तरह पॉलिटिक्स को इंडस्ट्री मानकर काम करने वाली सरकार नहीं है, हमारी सरकार गरीब की चिंता करने वाली सरकार। 300 यूनिट बिजली फ्री सूर्य मित्रा के द्वारा, 300 यूनिट हर गरीब को, 5 मरले जमीन लैंडलेस, हर गरीब के घर में राशन आ रहा है, हर गरीब के घर में पीने का पानी पहुंच रहा है, हर गरीब के घर पर रसोई गैस पहुंचा है, हर गरीब के घर पर शौचालय बना है, और 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल रहा है ना, आंकड़ा करो जिनको मिल रहा है।